रबड़ी एक ऐसी डिश है जो लगभग सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। आज हम बनाते हैं केसरिया अखरोट की रबड़ी बिल्कुल सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं केसरिया अखरोट की रबड़ी। वॉलनट रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले 1/4 कप अखरोट को हम ड्राई रोस्ट करेंगे केवल 20 से 25 सेकेंड के लिए, जिससे कि ये इजिली क्रश हो जाए। रोस्टेड वॉलनट को एक बटर पेपर के ऊपर रखकर अच्छी तरह क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसका एक दानेदार पाउडर बन जाए। रबड़ी कढ़ाई में अच्छी बनती है, तो इसके लिए हैवी बॉटम कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे। दूध को हम पहले हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे और फिर फ्लेम को लो कर देंगे। रबड़ी बनाते समय एक दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो दूध को बराबर चलाते रहना चाहिए, दूसरा चम्मच को कढ़ाई के बॉटम से लगा के चलाना चाहिए, जिससे कि दूध जले ना। केसर के कुछ धागे दूध में भिगो के रखे हैं। अब हम ये केसर वाले दूध को मिल्क में उबलते हुए दूध में ऐड करेंगे। अब जो रोस्टेड अखरोट का पाउडर बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। दूध को बराबर चलाते हुए फ्लेम को लो रखेंगे। अच्छी और स्वादिष्ट रबड़ी बनाने में करीब 50 से 55 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। दूध थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जो मलाई पड़ी है उसको बराबर साइड में करते रहेंगे और दूध को बीच में से चम्मच से बराबर चलाते रहेंगे। हमने इसमें 1/4 कप से थोड़ी कम शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। बराबर चलाते हुए इसको थोड़ा और कुक करेंगे। रबड़ी खाने का मजा फ्रिज में ठंडा करने के बाद और आता है, तो हम इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब ठंडा करने के लिए रखेंगे तो रबड़ी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। केसरिया अखरोट की रबड़ी बनके तैयार है। अब हम इसको फ्रिज में चिल करने के लिए रखते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।